मैं अपनी स्कूटी से गुड़गांव जा रहा था, जो कि हमारे गुड़गांव कोर्ट की सर्विस लाइन है। सर्विस लाइन में 20 मीटर या 50 मीटर पहले ही मैंने हेलमेट उतार देता हूं मैं, तो मैंने अपना हेलमेट उतारा और मुझे ट्रैफिक पुलिस ने हाथ दिया और मैं रुक गया। उन्होंने बोला आपका विदाउट हेलमेट का चलान होगा, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं कोर्ट से ही हूँ और मैंने हेलमेट मेरे पास है। बोले आपने लगा तो नहीं रखा। मैंने कहा सर, कह रहे आपका 1000 रुपये का फाइन होगा इसमें। मैंने कहा सर मेरे पास 1000 रुपये भी नहीं है, मैं कोर्ट से बुला लेता हूँ और मैं कर लेता हूँ। तो बोले हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। मैंने कहा सर जब मेरे पास नहीं है, कह रहे आप निकाल के दे दो। मैंने कहा सर जब मेरे पास नहीं है मैं कहाँ से दे दूँ आपको। तो उसके बाद कोर्ट से मेरे एडवोकेट आने लगे, जितने में मैंने उनको कॉल करी थी, तो इन्होंने मुझे बोला चाबी दे दो। मैंने कहा सर मैं चाबी क्यों दे दूँ आपको, ये बताइए आप चाबी क्यों ले रहे हैं सर। तो इन्होंने कहा नहीं आप चाबी दे रहे। मैंने कहा सर मैं चाबी नहीं दूंगा। तो मैं थोड़ा सा वॉक करने लगा और इन्होंने, मैंने कहा कि आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। मैंने कहा सर मेरे पास यहाँ डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे घर पे डॉक्यूमेंट है। बोले 10 मिनट में मंगा लो। मैंने कहा सर दिल्ली कहाँ है और गुड़गांव कहाँ है, मैं कैसे मंगा लूँ 10 मिनट में। तो बोले आप चलान कटवाओ फिर छुट्टी करो। मैंने कहा सही कहा सर मैं कोर्ट से बुला रहा हूँ, आप तो सुन ही नहीं सर, कोई कॉपरेट ही नहीं कर रहे आप सर। मैं बोल रहा स्टाफ से। बोले मैं तो डर गया। मैंने कहा सर मैं डरा नहीं रहा, मैं कॉपरेट की बात कर रहा हूँ सर आपसे। तो उसके बाद मेरे कोर्ट से एडवोकेट आए। एडवोकेट आने के बाद तो मैं वॉक करने लगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चाबी। मैंने कहा सर लो आप चाबी ले लो सर, मैं भाग नहीं रहा हूँ यहाँ से। चाबी देती, उन्होंने उसे टाइम टाइप करा। टाइप करते ही उन्होंने बोला दिनेश मदान। मैंने कहा हाँ जी मेरा ही है दिनेश मदान। उन्होंने बोला एकदम ही, उन्होंने स्लिप निकाली और दे दी। और एडवोकेट बोले अब तो आपका चलान कट गया, अब इसमें क्या करेंगे, जो भी है इन्होंने कोर्ट का चलान काटा है, आपकी गाड़ी पाउंड कर दी है, आप कोर्ट से कर लेना। बस मैं स्लिप लेके अपने कोर्ट में चला गया। 23,000 रुपये का जी, 23,000 रुपये का सर, जिस 23,000 रुपये का चलान है और स्कूटी की वैल्यू 15,000 रुपया सर, 15 से 16,000 या 18,000 मैक्सिमम उसकी वैल्यू है, इससे ऊपर उसकी वैल्यू नहीं है। चाहते तो वो एक चलान कर सकते थे मेरा, कोई भी हेलमेट का, या थोड़ा वेट कर लेते, बट उन्होंने कोई वेट ही नहीं करा। उन्होंने उसे टाइम काट दिया और उसके बाद मैंने अपने घर से व्हाट्सएप पे आरसीबी मंगा ली अपनी। तो उन्होंने मेरा 23,000 रुपये का चलान कर दिया और मेरी गाड़ी उसी टाइम जब्त कर ली। हाँ जी, अब क्या चाहते हैं सर? मैं अब चाहता हूँ कि मुझे कुछ उसमें रियायत की जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट उस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, ये मेरी गलती हो गई, लेकिन मैंने उस टाइम आरसी मंगा ली थी। अगर वो वेट करते तो 23,000 रुपये का चलान नहीं होता वो। अब तो मैं ये चाहूँगा सर उसको कम से कम कर दिया जाए, जो हो गया ठीक है, आगे से मैं अपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करूँगा।